चैनल गेमिंग व्लॉग्स निखिल, और आपको थंबनेल और टाइटल से तो पता लग ही गया होगा और थोड़ा सिनेमैटिक शॉट से ही पता लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे अपनी वीडियो बनाने वाले हैं। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे आसूस का एक स्टोर है, मैक इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पर आज हम वीडियो बनाएंगे कि गेमिंग लैपटॉप कौन सा बढ़िया रहता है। गेमिंग लैपटॉप अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो आप कौन सा लें, क्योंकि यार मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत DM आए थे और मेरे को कमेंट भी करते हैं कि भी आप गेमिंग लैपटॉप के बारे में भी कुछ वीडियो बनाइए। तो मैं इसीलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना यार बना दी जाए अपने सब्सक्राइबर्स के लिए गेमिंग लैपटॉप के ऊपर एक वीडियो। और अगर बैकग्राउंड से कोई नॉइस आ रही है तो आप इग्नोर करना। तो मैंने, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, क्योंकि यार जैसे मुझे कोई DM करता है कि भैया आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए तो मैं उसी टॉपिक पर बनाता हूँ। और मुझे इसके भी कई DM आए थे कि भैया आप गेमिंग लैपटॉप के बारे में वीडियो बनाइए। तो जब भी मैं आज वीडियो बनाने आया हूँ और प्राइस पता करेंगे कि कितने में हमें गेमिंग लैपटॉप मिल जाता है और कौन सा गेमिंग लैपटॉप कितनी रेम में मिलता है, क्या प्रोसेसर रहता है, पूरा पता करेंगे। अंदर चलते हैं फिर वीडियो को। साइज़ ये देख सकते हैं आप, स्टोर कुछ इस तरह का है, बाहर का इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। ये इंटर करते हैं, वो जब हम स्टोर के अंदर एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे लैपटॉप लगे हुए हैं, और पूरा पहले मैं आपको दिखा दूँ, और कुछ आपने सिनेमेटिक शॉट में भी देख लिया होगा। तो चलिए फिर जल्दी से ना भैया से बात करते हैं। ये रहे हमारे अभिषेक भैया। हेलो अभिषेक भैया, सर बताएंगे? ओके भैया। तो अब भैया पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण वर्मा है। हाँ प्रवीण वर्मा। तो भैया आज जो मेरे वीडियो का टॉपिक है ना, ये इसी टॉपिक पे है कि जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं वो कौन सा वाला बेस्ट है और कितने प्राइस में आ जाएगा। तो पहले आप हमें ना पहले बताना कि कौन से गेमिंग जो लैपटॉप होते हैं वो कौन सा बेस्ट है। तो पहले आप यहाँ पे जो लैपटॉप लगे हुए हैं मैं देख रहा हूँ, तो इसमें से जो बेस्ट लैपटॉप है गेमिंग करने के लिए वो बताइए पहले आप। एंड मैं गेमिंग की अगर बात करूँ तो गेमिंग में ऐसी की तीन कैटेगरी आती है। ओके भैया। वीवो गेमिंग आती है, और सेकंड आती है टफ, टफ के नाम से आती है। थर्ड आती है वो आती है ROG, रिपब्लिक के नाम से। हाँ जी। इसमें कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे गेमिंग करनी है, हार्डकोर गेमिंग करनी है या नॉर्मल गेमिंग करनी है, अच्छा भैया। जैसे जो मेरे सब्सक्राइबर है ना वो ये कहते हैं कि गेमिंग जो लैपटॉप होते हैं, जैसे जो गेम उन्हें प्ले करनी है, उन्हें तो जैसे GTA 5 हो गई और साइबर पंक हो गई, माइनक्राफ्ट हो गई, तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा रैम भी होती है इन गेमों की, और कई हाई GB में होती है ये, तो वो प्ले कौन से वाले लैपटॉप में हो सकती है वो बताइए पहले आप। मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे कि मैं टॉप सीरीज की बात करूँगा। हाँ जी। अगर इसकी मैं बेसिक जो स्टार्टिंग होती है, हाँ जी, जो कम प्राइस में, वो 48,000 से स्टार्ट होती है। अच्छा 48,000। इसमें हाई रेंड आपको जो मिलेगा आपको 1,30,000 तक में आपको लैपटॉप मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। जैसे इसमें आपको राइजन 5 से लेकर राइजन 9 तक मिल जाएगा, और i5 में i7 में आपको सारे वेरियंट्स मिल जाएंगे। अच्छा। और इसके मैं गेमिंग के लैपटॉप की बात करूँ तो इसमें स्पेशल चीज आपको जो मिलेगी, जैसे कि अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूँ तो जैसे कि इसमें आपको मिलेगा RGB कीबोर्ड के साथ मिलेगा। अच्छा, RGB कीबोर्ड, बैकलाइट RGB कीबोर्ड होता है। ओके भैया। फुल HD पैनल के साथ होता है। एंड इसमें आपको ग्राफिक कार्ड जो मिलेगा, आपको 4GB का ग्राफिक कार्ड मिलेगा। 4GB का ग्राफिक कार्ड, ठीक है ना, यूज फॉर एनिमेशन, ऑटो कैड, गेमिंग। गेमिंग की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपने बोला कि मुझे GTA 5 वगैरह चाहिए, गेमिंग कर सकता हूँ। ओके है ना। और इसमें अगर रैम की बात करूँ तो स्टार्टिंग इसमें रैम जो मिलेगी वो 8GB रैम के साथ आपको मिलेगा। 8GB रैम के साथ मिलेगा। और रैम जो अपग्रेडेबल होगी, जैसे कि आप बढ़ा सकते हो, डुअल चैनल के साथ रैम होती है, 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं आप। अच्छा 32GB तक हम अपग्रेड कर सकते हैं उसके अंदर। ओके भैया। और सेकेंडरी चीज इसमें आपको जो बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि इसमें अगर हार्ड ड्राइव के साथ आता है, SSD के साथ भी आता है। अच्छा। अगर इसमें SSD लगी हुई है तो एक और स्लॉट आपको मिलता है जो आप SSD और अपग्रेड कर सकते हो। अच्छा। नहीं तो आप यानी कि हार्ड ड्राइव के साथ ले रहे हो तो SSD का स्लॉट भी मिल जाएगा, तो आप दोनों चीज कर सकते हो, हार्ड ड्राइव भी, SSD दोनों चीज। अच्छा भैया, मतलब कि इसके अंदर किसी को गेम प्ले करनी है तो वो गेम भी प्ले कर सकता है और नॉर्मल यूज के लिए भी कर सकता है। ओके भैया। तो क्या प्राइस बताया भैया वैसे आपने इसका? 48,000 से स्टार्ट होता है। ओके भैया। और भैया किसी जैसे ये मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसका इसके बारे में कुछ बताइए,
इसका नाम बताइए इस वाले पहले लैपटॉप का। अगर मैं बात करूँ कि आरू जी के नाम से आता है, इसमें सीरीज आती है स्कार 1, स्कार 2, स्कार 3 और आरू जी स्ट्रिक्स के नाम से आता है। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है आरू जी होती है रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। हाँ जी। इसमें जो स्टार्टिंग होगी वो 55,000 से स्टार्ट होता है। 55, अच्छा 55,000 से स्टार्टिंग होगी। ओके भैया, आपको खास बात जो मिलती है आरू जी का लैपटॉप मिलेगा इसमें, यानी कि अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो 8GB रैम मिलती है, 1TB हार्ड ड्राइव विंडोज 10 के साथ। अच्छा, बताया रैम अपग्रेडेबल 32GB था। हाँ हाँ, हार्ड ड्राइव के साथ SSD का आपको स्लॉट मिलेगा और 4GB का ग्राफिक कार्ड मिलता है जो NVIDIA का मिलता है। तो गाइज आप देख सकते हैं भैया बता रहे हैं कि आप इसके अंदर रैम अपग्रेड भी कर सकते हैं और 4GB का क्या बताया भैया आपने, ग्राफिक कार्ड मिलेगा आपको। तो ये रहा यहाँ पे, ये अलग लैपटॉप ये लगा हुआ है यहाँ पे, ROG का है। और ROG तो यार गेमर्स जो होते हैं उन्हें पता ही है कि यार ROG गेम जो प्ले होती है उसके अंदर बहुत ही स्मूथ होती है, कोई लैग नहीं होता। और भी एक क्वेश्चन और है मेरा जो मेरे से कमेंट में पूछते हैं, क्या इसके अंदर हम लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं? क्या लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं? तो गाइज आप देख सकते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग भी आप आसानी से कर सकते हैं इस लैपटॉप के अंदर। और कोई भैया कोई और लैपटॉप, अगर मैं एडिशनल लैपटॉप की बात करूँ, ये गेमिंग सीरीज आती है जो वीवो गेमिंग के नाम से जानी जाती है। अच्छा भैया, ठीक है। इसमें ऐसे की वेरियंट्स की बात करूँ तो i5 i7 आते हैं। इसकी बेसिक जो स्टार्टिंग जो प्राइस होती है वो भी आपकी 56,000 से स्टार्टिंग होती है। अच्छा भैया, ठीक है। ये लाइट वेट में आता है। अच्छा, लाइट वेट होता है इसका। ओके, लाइट वेट है, स्लिम भी है, ये देख सकते हैं। ये गाइस आप देख सकते हैं इतना स्लिम है ये और एकदम लाइट वेट होगा जैसे भैया ने बताया। तो थोड़ा और इसके बारे में पता करते हैं भैया, इसमें क्या रैम रहने वाली है? इसमें इसके बेनिफिट की बात करूँ तो ऐसे कि सिंगल एंड इजी टू कैरी रहता है, एंड इसमें रैम रहेगी वो 8GB रैम रहेगी। इसमें SSD भी आपको मिलती है। अच्छा, ग्राफिक कार्ड भी आपको 4GB मिलता है। ग्राफिक कार्ड भी 4GB मिलेगा, लेकिन ग्राफिक कार्ड में वेरियंट्स आते हैं। अच्छा अच्छा, अलग अलग वेरियंट्स आते हैं। अच्छा, ये कौन सा वेरियंट है वैसे जो यहाँ पे लगाया डिस्प्ले में? अच्छा, लेटेस्ट अभी नया चल रहा है। ओके भैया, तो इसके अंदर भी हम GTA 5 और जो साइबर पंक जो भी गेम होगी हाई ग्राफिक्स वाली वो आसानी से प्ले हो सकती है इसके अंदर। ओके भैया, तो गाइज ये तीन भैया ने जो भैया के नज़र में बेस्ट लैपटॉप है वो तीन बताए हैं भैया ने। एक तो आपका ये वाला हो गया और एक ROG का और एक यहाँ पे इसका क्या नाम है भैया, टफ। तो ये देख सकते हैं, जैसे आप मेरे को कमेंट करते हैं कि भैया बनाइए कोई वीडियो, तो गाइस आज मैंने बना दिया है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। और जो ये शॉप का एड्रेस है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और भैया का नंबर भी दे दूंगा। तो गाइस हमने वीडियो बना दी है, वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में मैंने तीन लैपटॉप के बारे में बताया है कि क्या प्राइस है, जैसे कि ROG गेमिंग लैपटॉप और टफ गेमिंग लैपटॉप और वीवो बुक गेमिंग लैपटॉप के बारे में बताया है भैया ने। और मैंने उसके बारे में तीन लैपटॉप के बारे में वीडियो बनाई, उन्होंने बताया कि सबसे बेस्ट जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं बजट के अंदर वो ये तीन गेमिंग लैपटॉप होते हैं। और आप अगर इंस्टा पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा। और मैं इस जो शॉप है इसका भी इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके उन्हें भी फॉलो कर लेना और उनसे बात कर लेना। अगर आपको कोई सा भी लैपटॉप लेना है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो अगर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।